तो कैसे हो सब? मत जबदा जिंदाबाद, वेलकम टू अवर न्यू लाइव स्ट्रीम। तो अभी जो यहाँ पे हम मैच कवर करने वाले वो है साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे का। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, आज का जो मैच है वो यहाँ पे खेला जा रहा है ओवल होबर्ट के मैदान पे। ये वही मैदान है जहाँ पे इस वक्त जो है ना नैदरलैंड की टीम का मैच चल रहा है। और जैसे ही नैदरलैंड वाला मैच खत्म हो जाएगा उसके बाद जो है यहाँ पे मैच का टॉस का सिक्का आपको चलते नजर आएगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, तो यहाँ पे जो मैच है साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे की टीम। साउथ अफ्रीका की टीम तो वैसे ही ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी थी, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम को जो है ना सुपर मतलब क्वालिफाई करना पड़ गया। और जिम्बाब्वे की टीम ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया और जिसके चलते जो है जिम्बाब्वे की जो टीम है वो यहाँ पे सुपर 12 में जो है ना आ चुकी है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टॉस के बारे में, तो मैं आपको बताता चलूँ, ज़्यादा समय यहाँ पे बचा नहीं है। अब से कुछ ही देर बाद अगर आप देखें तो आपको जो है साउथ अफ्रीका की कप्तान यहाँ पे टेम्बा बवुमा, और टेम्बा बवुमा के साथ जो है जिम्बाब्वे की कप्तान जो है आपको मैदान में आते हुए नजर आएंगे। और इन दोनों ही कप्तानों के बीच जो है आपको यहाँ पे टॉस का सिक्का उछलते हुए नजर आएगा। अब देखना यहाँ पे लास्ट में रहता है कि टॉस यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम जीतती है या फिर जिम्बाब्वे की टीम जो यहाँ पे टॉस को जीतती है, और टॉस को जीतने के बाद क्या यहाँ पे पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया जाता है या फिर बल्लेबाजी करने का, ये देखना जो है ना कहीं यहाँ पे लाजमी रहेगा। अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे पिच के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो मैच है ओवल होबर्ट में खेला जा रहा है, और ओवल होबर्ट की पिच के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों देखो, इस मैदान के ऊपर जो कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करती है वो लगभग जो है ना 151 रन बनाती है, और जो कोई भी टीम दूसरी पारी के अंदर जो है बल्लेबाजी करती है इस मैदान के ऊपर वो लगभग जो है 148 रन बनाती है। मतलब यहाँ पे साफ है कि जो पहले बल्लेबाजी टीम करती है ना इस मैदान के ऊपर, उनको बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान होता है। दूसरे पारी के अंदर जो गेंद है वो थोड़ी सी रुक करके आती है, साथ ही में फंस करके आती है। और वहीं पे अगर हम बात करें पिच के हाईएस्ट टोटल के बारे में, तो पिच का जो यहाँ पे हाईएस्ट टोटल है वो है 213 का। मैं आपको बताता चलूँ गाइस, अभी तक जो है ना इस मैदान के ऊपर 213 रनों से ज़्यादा रन नहीं बने हैं। अगर आज यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम या फिर जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 का आंकड़ा छू लेती है तो कहीं ना कहीं एक नया रिकॉर्ड जो है ना इस पिच के ऊपर हमें बनता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे पिच के हाईएस्ट रनचेस के बारे में, तो पिच का जो यहाँ पे हाईएस्ट रनचेस है वो 180 का है। मैं आपको बता दूँ गाइस, अभी तक जो है ना 180 रनों से ज़्यादा रन यहाँ पे इस मैदान के ऊपर चेस नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 170 से लेके 180 के बीच भी अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम इस मैदान के ऊपर बना लेती है तो एक मैच विनिंग टोटल यहाँ पे रहेगा। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे टॉस कब होगा, तो मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों, अभी जो मैच है ये ओवल होबर्ट में खेला जाएगा। और इस वक्त अगर आप देखें तो ओवल होबर्ट के मैदान पे एक और मैच चल रहा है जो कि है बांग्लादेश और नैदरलैंड की टीम का। और जैसे ही कहने के यहाँ पे बांग्लादेश और नैदरलैंड का मैच है समाप्त होगा, उसके कुछ ही मिनटों बाद जो है यहाँ पे आपको टॉस होता हुआ जो है नजर आएगा, जहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा, और टेम्बा बवुमा के साथ अगर आप देखें तो आपको जिम्बाब्वे की कप्तान यहाँ पे टॉस के अंदर जो है नजर आएंगे। और देखा जाए तो गोहिल भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं काफी समय बाद, गोहिल भाई को आपकी दिवाली। और गाइस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम के बारे में, तो साउथ अफ्रीका की टीम में अगर आप देखें तो क्विंटन डीकॉक यहाँ पर मौजूद है। क्विंटन डीकॉक जो कि यहाँ पे विकेट कीपर बल्लेबाज है, 72 मुकाबलों का इनके पास अनुभव है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये जो है ना गाइस साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आते हैं, पारी की शुरुआत करने के लिए आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये पावर प्ले में भी अगर खेल जाते हैं ना, तो फिर भाई इनका जो स्ट्राइक रेट है लगभग 160 के ऊपर का रहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्विंटन डीकॉक आज के इस मुकाबले के अंदर यहाँ पे की प्लेयर रहेंगे। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं नंबर दो की, तो नंबर दो पे यहाँ पे दो दो चॉइस मौजूद है साउथ अफ्रीका के पास। या तो कप्तान खुद टेम्बा बवुमा आएंगे, या तो जो है ना कप्तान टेम्बा बवुमा खुद आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। उसके बाद अगर हम देखें तो टीम के अंदर जो एडन मार्करम यहाँ पे मौजूद है, एडन मार्करम जो कि आपको आज के इस मुकाबले के अंदर जो है नंबर तीन पर खेलते हुए जो है यहाँ पे नजर आने वाले हैं बल्लेबाज एडन मार्करम, जो कि नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें नंबर चार की, तो नंबर चार पे आपको साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज हेनरिच क्लासेन यहाँ पे खेलते हुए नजर आएंगे, जिनके पास 36 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों का अनुभव है। वहीं पे अगर हम नंबर पाँच पे देखें तो नंबर पाँच पे दोस्तों आपको जो है यहाँ पे डेविड मिलर जो है खेलते नजर आएंगे, मिलर किलर जी हाँ दोस्तों।
अगर हम बात करें डेविड मिलर की, तो इन्होंने 107 मुकाबले अभी तक खेल चुके हैं, और अभी पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो भैया बहुत ही शानदार इनका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी हाल ही में देखा जाए तो भाई साउथ अफ्रीका की जो टीम है भारत दौरे पर आई थी, और आपको याद होगा डेविड मिलर ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली थी, और आज के इस मुकाबले के अंदर भी कहीं ना कहीं डेविड मिलर के बल्ले से एक बड़ी पारी की उम्मीद रहने वाली है। वहीं पे नंबर छः पे देखा जाए तो नंबर छः पे आपको यहाँ पे केशव महाराज खेल तो नजर आएंगे। केशव महाराज कहने के एक ऐसे खिलाड़ी है जो कि यहाँ पर गेंदबाजी करना भी जानते हैं और यहाँ पे जो है ना बल्लेबाजी भी करना जानते हैं। आपको एक ऑलराउंडर की भूमिका में जो यहाँ पे केशव महाराज नजर आने वाले हैं जो कि नंबर छः पे खेलेंगे। वहीं पे नंबर सात पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे ड्वेन प्रिटोरियस मौजूद है, और ड्वेन प्रिटोरियस भी एक ऐसे खिलाड़ी है टीम के अंदर जो कि यहाँ पर गेंदबाजी करना भी जानते हैं और यहाँ पर जो है बल्लेबाजी भी करना चाहते हैं। ड्वेन प्रिटोरियस आपको ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं पे नंबर आठ पे अगर आप देखें तो नंबर आठ पे जो है दोस्तों यहाँ पे कगिजो रबाड़ा मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, कगिजो रबाड़ा जो कि करते हैं बल्लेबाजों का कबाड़ा, और कगिजो रबाड़ा जो है आपको नंबर आठ पर खेलते हुए जो है नजर आएंगे। वहीं पे नंबर नौ पे देखें तो नंबर नौ पे इनके साथ ही तेज गेंदबाज एंड्रिच नोकिया यहाँ पे नजर आने वाले हैं जो कि नंबर 10 पर गेंदबाजी करेंगे। और वहीं पे नंबर 11 पे अगर आप देखें तो आपको जो है तबरेज शमसी यहाँ पे नजर आएंगे जो कि दाएं हाथ के स्पिनर है। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे साउथ अफ्रीका की जो टीम की प्लेइंग 11 है ना, मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छी लग रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पे इस मुकाबले को जीतेगी या फिर जिम्बाब्वे की टीम? आप जो है दोस्तों अपनी अपनी प्रेडिक्शन यहाँ पे बता दीजिए। आप यहाँ पर जो है साउथ अफ्रीका टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हो या फिर जिम्बाब्वे की जो टीम है ना दोस्तों आप उनको जो है सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि अगर आप देखें तो ज्यादा समय यहाँ पे टॉस के लिए बचा नहीं है। देखा जाए तो कपिल देव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल भाई कैसे हो? आपको हैप्पी दिवाली। हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र है कपिल भाई, डेली हमारी स्ट्रीम पे आते हैं और डेली जो है ना अपना अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं। अब अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ज्यादा समय बचा नहीं है टॉस के लिए, ज्यादा समय दोस्तों यहाँ पे टॉस के लिए बचा नहीं है। अब देखते हैं कौन से टीम जो यहाँ पे टॉस को जीतती है और टॉस को जीतने के बाद क्या यहाँ पे पहले गेंदबाजी करने का यहाँ पे निर्णय लिया जाता है या फिर पहले बल्लेबाजी करने का, ये देखना जो है ना कहीं यहाँ पे बेहद दिलचस्प और रोचक यहाँ पे रहेगा। अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम की जो है कप्तानी मोस्ट प्रोबेबली तेम्बा बवुमा करेंगे, या फिर हो सकता है कि तेम्बा बवुमा अगर कप्तानी नहीं कर रहे तो शायद यहाँ पे डेविड मिलर जो है आपको कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। अभी एक तरीके से गाइस यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है कि साउथ अफ्रीका की कप्तानी कौन करेंगे, लेकिन जितनी हमें सोर्सेस से खबर आई है सबका मानना है कि तेम्बा बवुमा यहाँ पे कप्तानी करेंगे। हालांकि हमें टॉस जब होगा ना टॉस के समय ही पता चल जाएगी कप्तानी यहाँ पे कौन करने वाला है, किस ग्राउंड पर मैच है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं आज का जो है मैच है ना जो खेला जाने वाला है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच, ये जो है दोस्तों खेला जाएगा ओवल हुबर्ट के मैदान पे। अभी गाइस जो है ना एक और मुकाबला इस मैदान पे चल रहा है जो कि है नेदरलैंड और बांग्लादेश का, और उसी से मैदान के ऊपर जो आज का मैच है खेला जाने वाला है। और दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पे वेदर कंडीशंस के बारे में, क्योंकि आपको पता होगा कि गाइज ये जो वर्ल्ड कप के मैचेस है ना ये ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दोस्तों जो यहाँ पे टेम्परेचर है वो है 14.4 डिग्री सेल्सियस का, और अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पे वेदर जो है ना क्लाउडी है, मतलब यहाँ पे बारिश आने के चांसेस लगाई जा रही है। और अभी जो बांग्लादेश और नेदरलैंड का मैच चल रहा है ना वहां पर भी बीच में एक दो बार बारिश आई थी, लेकिन वो बारिश जो है ना धीमी धीमी थी, बिल्कुल एक तरीके से बूंदाबांदी बारिश आई थी, जिसके चलते जो है गाइस खेल को काफी जल्दी जल्दी शुरू कर दिया गया था। और अभी का जो मैच है ना जो कि जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का मैच है, उस मैच में भी जो है ना कहीं ना कहीं यहाँ पे बारिश आने की उम्मीद है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद अगर बारिश आती भी है ना तो ज्यादा बारिश नहीं आएंगी, लगभग हल्की हल्की आपको बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, और कहीं ना कहीं आपको ये जो मैच है ना दोस्तों पूरा होता हुआ जो है नजर आएगा। आप देखते गाइस कौन से टीम जो यहाँ पे टॉस को जीतती है, साउथ अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे। अगर हम दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे पिच के एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की, तो दोस्तों जो कोई भी टीम इस मैदान के ऊपर पहले पारी के अंदर बल्लेबाजी करती है वो लगभग जो है ना 161 रन बनाती है। मतलब दोस्तों इस पिच का जो पहले पारी का एवरेज स्कोर है
वो यहाँ पे है 161 का, और इस मैदान का जो दूसरे पारी के अंदर एवरेज स्कोर है वो है 148 का। मतलब इस मैदान के ऊपर ज्यादातर जो रन्स बने हैं ना वो यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बनाई है। और पिच की अगर हम हाईएस्ट टोटल की बात करें तो पिच का जो हाईएस्ट टोटल है वो 213 का है, और ये 213 रन भी जो है ना गाइस इंग्लैंड ने बनाए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें पिच के हाईएस्ट रन चेस की तो वो यहाँ पे 180 का है। मैं आपको बताते चलूं दोस्तों, इस मैदान के ऊपर जो है ना अभी तक 180 रनों से ज्यादा रन चेस नहीं हुए हैं। अभी तक इस मैदान के ऊपर दोस्तों 180 रनों से ज्यादा रन चेस नहीं हुए हैं। अगर यहाँ पे जो कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 180 से लेके 170 रन बना लेती है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मैच विनिंग टोटल रहेगा इस पिच के हिसाब से। अब हालांकि टॉस के अंदर ही जीते, टॉस यहाँ पे कौन जीता है, प्रकाश पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस लाइव स्ट्रीम के अंदर। और एक भाई का कमेंट है कि किस पे लगाओ भाई, कोई चांस है क्या जिम्बाब्वे के विन के? भाई देखो, मुझे पर्सनली अगर आप पूछोगे तो भाई मुझे साउथ अफ्रीका की टीम जो है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है एज कम्पेयर टू जिम्बाब्वे की टीम। लेकिन जब तक यहाँ पे टॉस नहीं हो जाता ना तब तक कुछ भी कहना यहाँ पे मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है ना बारिश आने की चांसेस है, क्योंकि आपको पता होगा कि बांग्लादेश और जो नेदरलैंड का मैच चल रहा है वहां पे बारिश आई है। और अगर आप देखें तो मौसम भी जो है बिल्कुल बारिश का बना हुआ है। और इसी भी देखा जाए तो यहाँ पे किस्मत वाईटी गेमर जी जुड़ चुके हैं, किस्मत वाईटी गेमर, जो कि मैंने इनको काफी बार देखा है। और ये कह रहे कि भाई साउथ अफ्रीका की टीम की मतलब साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले को जीतेगी। अब जब तक के दोस्तों टॉस यहाँ पे नहीं हो जाता ना तब तक के कुछ भी कहना यहाँ पे मुश्किल होगा कि यहाँ पे टॉस मतलब मैच कौन सी टीम जीतती है। मेरे हिसाब से तो भाई जो कोई भी टीम टॉस जीतेगी, टॉस जीतने के बाद जो कोई भी टीम गेंदबाजी करेगी उनके जीतने के चांसेस यहाँ पे जो है ना मुझे पर्सनली काफी ज्यादा लग रहे हैं। अब गाइस आप लोग यहाँ पे अपने अपनी प्रेडिक्शन बता दीजिएगा। और देखा जाए तो प्रकाश पटेल जी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, निर्मल जी ने चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चले गए, देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टॉस का समय भी जो है वो चला है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो गाइस यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है कि साउथ अफ्रीका की कप्तानी कौन करेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे सोर्सों से पता चला है कि शायद टेम्बा बहुमा जो है साउथ अफ्रीका की कप्तानी करेंगे, और कुछ सोर्सेज से पता लगा है कि शायद डेविड मिलर जो है कप्तानी करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि टेम्बा बहुमा जो है ना साउथ अफ्रीका की कप्तानी करेंगे। और अगर टेम्बा बहुमा का मतलब जो प्रदर्शन अच्छा रहता है वर्ल्ड कप के अंदर तो शायद ये आगे खेलते हुए आपको नजर आएगी, वरना भाई टेम्बा बहुमा का जो है ना प्लेइंग 11 में खेलना भी मुझे भाई बहुत मुश्किल लगता है। ये बल्लेबाज करता क्या है मुझे बस इतना बता दो। जब साउथ अफ्रीका टीम भारत दौरे पर भी आई थी ना तो ये बल्लेबाज जो है ना खाली नाम का कैप्टन है, लेकिन भाई इस बल्लेबाज को खेलते ही नहीं आता है। अगर टेम्बा बहुमा 10 मैच खेलता है ना तो 10 में से जो है 9 मैच में ये 10 से भी कम रन बना के आउट हो जाता है, और कभी एक मैच में जो है 40-50 रन की पारी खेलता है। भाई ये तो मतलब टीम के अंदर भी शामिल होना इसका मुश्किल रहता है। लेकिन बताओ भाई कप्तान है यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम के टेम्बा बहुमा। और देखा जाए तो SKL सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली मेरे भाई। राजवीर दगाल जी कह रहे कि साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पे टॉस को जीतेगी। आप देखते हैं मेरे भाई टॉस कौन से टीम यहाँ पे जीती। और जितने भी तमाम लोग हमारे साथ स्ट्रीम पे आ चुके हैं दोस्तों, सभी के सभी एक साथ मिलके जो है यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब चलिए दोस्तों चलते हैं सीधा टॉस की तरफ। टॉस कौन जीतता है? दिवाली का खर्चा निकाल दो ब्रो। भाई देखो दिवाली का खर्चा निकालने के लिए भाई कल आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच था आपके पास, कल आपको याद होगा तो बता दूं कल भाई 50 पैसे का भाव पलटा था। अगर जब आपने इंडिया की टीम की जब मतलब रोहित शर्मा और KL राहुल जब रन चेस करने के लिए आए थे और भारत के 2 विकेट गिर गए थे 10-15 रनों पे, तब अगर आप भारत पे 50 रुपये लगा देते ना तो भाई लगभग आपको 1000 रुपये मिलते। भाई मैंने ऐसे 200 रुपये लगाए थे कल, तो भाई मैंने अपने दिवाली का खर्चा निकाल लिया। और अगर आज भी कहने के ऐसा मौका बनता है पैसे पलटाने का तो हम जरूर से आपको बता देंगे। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना जरूरी है। और इसी के साथ देखा जाए तो यहाँ पे रंजन कुमार भारती जी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, राजकुमार जी ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही में अगर आप देखें तो प्रकाश पटेल जी ने भी हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दिया है। और जितने भी लोग गाइस दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ना,
बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप देखते हैं गाइस कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को जो है जीतने में कामयाब हो पाती है। शिव पासवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टॉस कब होगा भाई? टॉस का समय जो हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को जो है यहां पर जीतने में कामयाब होती है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात कर लेते यहाँ पे टॉस की, तो टॉस का समय जो है दोस्तों यहाँ पर हो चुका है और दोनों ही कप्तान अगर आप देखें तो आपको जो है ना मैदान में आते हुए नजर आ रहे हैं और टॉस का जो है सिक्का उछलते हुए आपको नजर आएगा। अब देखते हैं कौन से टीम जो है दोस्तों यहाँ पे टॉस को जीतती है। दादा इधर आ तो जल्दी। आप चलिए गाइस देखते हैं यहाँ पे टॉस कौन से टीम जीतती है, जिम्बाब्वे या फिर साउथ अफ्रीका। दोनों ही कप्तान जो है यहाँ पे मैदान में आ चुके हैं और देखने वाली बात है कौन से टीम जो यहाँ पे टॉस को जीतती है। क्या बोल रहे देख ले। क्या लगता है गाइस आपको, मतलब जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पे टॉस को जीतेगी या फिर साउथ अफ्रीका की टीम? अपनी अपनी प्रेडिक्शन बता दीजिएगा। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और गाइस सभी के सभी जितने भी तमाम लोग हमारे स्ट्रीम पे आ चुके हैं ना, सभी के सभी दोस्तों एक साथ मिलके यहाँ पे स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं यहाँ पर जो है ना दोस्तों टॉस का समय जो है हो चुका है और मैं आपको पिच रिपोर्ट के बारे में बताऊं। द पिच इज अ गुड ट्रैकर फॉर द साइड बैटिंग फर्स्ट। मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मैदान के ऊपर जो है ना पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करना बहुत ही आसान रहता है और दूसरे पारी के अंदर जो गेंद है थोड़ा सा रुक करके आता है और फंस करके आता है। और आपको बता दूं दोस्तों आज का जो मैच है ये ओवल होबर्ट के मैदान में खेला जा रहा है। ये वही सेम मैदान है जहाँ पे इस वक्त बांग्लादेश और नेदरलैंड का मैच खेला जा रहा है। और अगर आप देखें तो अभी जो मैच चल रहा है ना बांग्लादेश और नेदरलैंड का, वहां पर बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी है और मुकाबले को जीत भी रही है। और वही जो सेम मैच है ना इसी मैदान के ऊपर खेला जाने वाला है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का। और जिस तरीके की गाइस यहाँ की विकेट है, जिस तरीके की ये पिच है ना, जो कोई भी टीम यहाँ पे टॉस को जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है उनके जीतने के चांसेस जो है ना दोस्तों 68% तक हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से गाइस टॉस को जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करना आसान रहेगा। आप देखते हैं दोस्तों कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को जो है जीतने में कामयाब होती है। आपको क्या लगता है गाइस कौन जीतेगा इस मुकाबले के अंदर? आप जो है अपनी अपनी प्रेडिक्शन यहाँ पे बता दीजिएगा। जिन्होंने भी दोस्तों स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है तो स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों जो है यहाँ पे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम आने वाले मुकाबलों के अंदर लाइव आए तो आपको जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे टॉस का जो है ना समय यहाँ पे बेहद ही करीब आ चुका है। अब देखने वाली बात है कौन सी टीम जो है यहाँ पे टॉस को जीतती है और टॉस को जीतने के बाद यहाँ पर पहले गेंदबाजी करने का जो है निर्णय लिया जाता है या फिर पहले बल्लेबाजी करने का जो है निर्णय लिया जाता है। आप लोग जो है दोस्तों अपनी अपनी प्रेडिक्शंस यहाँ पे बता दीजिएगा। आपको क्या लगता है गाइस कौन जीतता है इस मुकाबले के अंदर? और दोस्तों आपको बताता चले यहाँ पे जो है ना टॉस का समय जो है बेहद ही करीब आ चुका है और दोनों ही कप्तान भी अगर आप देखें तो मैदान में आ चुके हैं और देखते यहाँ पे टॉस का सिक्का जो है कौन सी टीम जीतती है और टॉस को जीतने के बाद यहाँ पे क्या पहले गेंदबाजी करने का जो है निर्णय लिया चाहता है या फिर पहले बल्लेबाजी करने का जो है निर्णय लिया चाहता है, ये देखना जो है ना दोस्तों यहाँ पे दिलचस्प रहेगा। और गाइस आप लोग जो है ना अपनी अपनी प्रेडिक्शंस यहाँ पे बता दीजिएगा। आप जो है इस मुकाबले के अंदर किस टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हो? आप सभी तमाम लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया इस मुकाबले के अंदर जो है जुड़े रहने के लिए। गाइस आप लोग जो है अपनी अपनी प्रेडिक्शन बता दीजिएगा। आपको क्या लगता है टॉस कौन जीतेगा यहाँ पे, श्रीलंका की टीम या फिर जिम्बाब्वे की टीम? अगर देखें तो टॉस का समय तो यहाँ पे हो चुका है।
किस्मत वाइटी गेमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़ में राजस्थान से देख रहा हूँ, आज बॉलिंग या बैटिंग अच्छी देंगी? भाई देखो, जो कोई भी टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेगी तो देखते हो। अब क्या लगता है गाइस, कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहेगी? अपनी अपनी प्रेडिक्शन यहाँ पे बता दीजिएगा। गाइस आप देखते हैं कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को जीतती है, मतलब साउथ अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे। अगर आप देखें तो गाइस यहाँ पे जो है ना टॉस का समय हो चला है, टॉस का समय यहाँ पे श्रीलंका जीतेगा। भाई श्रीलंका का तो मैच ही नहीं, कल है श्रीलंका का मैच। अभी जो यहाँ पे टॉस है ना दोस्तों, वो है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच। अब देखते हैं टॉस का सिक्का जो है किस, मतलब कौन सी टीम के पक्ष में गिरता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो टॉस का समय जो है हो चुका है, दोनों ही कप्तान जो है ना यहाँ पर मैदान में आ चुके हैं। और अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी टीम जो है टॉस को जीती। भाई आज डीकॉक मारेगा, भाई देखो डीकॉक मारेगा नहीं मारेगा ये सब पता चलेगा टॉस के बाद ही। अगर साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करती है ना दोस्तों, तो फिर आप समझ जाओ कि भाई एक अच्छा टोटल बनने वाला है। अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो फिर भाई साउथ अफ्रीका के टीम के जीतने के चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा रहेंगे। बॉलिंग पीछे भाई देखो, इस मैदान के ऊपर जो है ना बल्लेबाजी करना आसान रहता है। आप देखते हैं कौन से टीम जो है यहाँ पे टॉस को जीतने में कामयाब हो पाती है। साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे का मैच है, देखा जाए तो यहाँ पे हरीश जोशी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मैदान के ऊपर जो है ना ये आज के इस दिन का दूसरा मैच खेला जाएगा। अभी जो पहला मैच है ना वो यहाँ पे बांग्लादेश और नेदरलैंड का खेला गया था। और आपको बता दूं उस मैच के अंदर जो है ना बांग्लादेश की टीम जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए जीती है। और उसी सेम मैदान के ऊपर जो है ये वाला मुकाबला खेला जाएगा। इसका मतलब दोस्तों साफ है कि यहाँ पर जो है ना जो कोई भी टीम पहले बल्लेबाजी करती है उनके जीतने के चांसेस जो है ना यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे टॉस कौन से टीम जीती। भाई देखो जो टॉस है ना वो यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज के इस मुकाबले के अंदर। आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पे टॉस कौन जीतता है, साउथ अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे, देखना यहाँ पे दिलचस्प रहेगा। अब गाइस आप देखते हैं यहाँ पे कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को जीतने में कामयाब होती है। आप सभी तमाम लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया इस मुकाबले के अंदर जुड़े रहने के लिए। और टॉस का समय भी हो चुका है, टॉस कब होंगे? तो भाई देखो मैं आपको टॉस के बारे में अपडेट बता दूं, तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना टॉस का समय हो चुका है। दोनों ही कप्तान कहने के यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं टॉस के लिए। आपस में जो है ना दोस्तों यहाँ पे बातचीत चल रही है, और जैसे ही जो है ना यहाँ पे टॉस का सिक्का उछलेंगे उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे मुकाबला शुरू होता हुआ नजर आएगा। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे जो टॉस है ना वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है आपको होता हुआ नजर आएगा। आप देखते दोस्तों जितने भी तमाम लोग हमारे साथ स्ट्रीम पे जुड़ चुके हैं, जिन्होंने भी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आप देखें तो चैट में हमारे साथ रंजीत कुमार जी है, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत कुमार जी। तो बहरहाल गाइस आप सभी तमाम लोग भी जो है दोस्तों यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद गाइस बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो है आपका नाम यहाँ पर ले पाऊँ और आपको जो है शॉर्ट आउट दे पाऊँ। तो इसलिए दोस्तों जो है गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जो है ना दबा दीजिएगा। आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जिम्बाब्वे यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम, कौन सी टीम जो यहाँ पे टॉस को जीतती है आज के इस मुकाबले के अंदर, जो का जो टॉस है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको बता दूं गाइस जो नेदरलैंड और बांग्लादेश का मैच चल रहा था ना उस मुकाबले के अंदर जो जीत है वो यहाँ पर मिल चुकी है बांग्लादेश की टीम को, और बांग्लादेश की टीम ने गाइस इस मुकाबले को जीत लिया है 9 रनों से। और गाइस अब जो है ना यहाँ पे टॉस होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो गाइस ये वाला जो मैच था ना नेदरलैंड और बांग्लादेश का वो भी इसी सेम मैदान के ऊपर ही खेला जाने वाला है जहाँ पे जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का मैच है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भाई दो मैच तो एक साथ खेले नहीं जा सकते थे। अभी बांग्लादेश और नेदरलैंड का मैच है समाप्त हो चुका है, इसका मतलब जो है कुछ ही सेकंड्स के अंदर जो है ना यहाँ पे आपको ये वाला मैच शुरू होता हुआ नजर आएगा। उसके पहले गाइस मैं आपको वेदर कंडीशन बता देता हूँ, क्या यहाँ पे आज के इस मुकाबले के अंदर बारिश आ सकती है। तो दोस्तों अभी का जो मैच है खेला जाएगा ओवल होबर्ट के मैदान पे,
और यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो है 86%, और मोस्टली जो वेदर है यहाँ पे क्लाउडी है, मतलब बारिश आने की चांसेस काफी ज्यादा है। अभी जब बांग्लादेश और नेदरलैंड का मैच चल रहा था ना, तो उस मैच के अंदर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बारिश आई थी, और गाइस इस मैच के अंदर भी जो है ना यहाँ पर बारिश आने की चांसेस हैं, और बारिश यहाँ पे आएंगी भी, लेकिन ज़्यादा बारिश आने की चांसेस काफ़ी कम है। एक तरीके से बूंदाबांदी जो है आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस मैदान के ऊपर जो है ना, जो कोई भी टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती है, उनके जीतने के चांसेस जो है लगभग 70% हो जाते हैं। तो जो कोई भी टीम दोस्तों इस मैदान के ऊपर टॉस जीतती है और टॉस जीतने के बाद यहाँ पे बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है, उनके जीतने के चांसेस 70% हो जाते हैं। टॉस जाएगा, दूसरा मैच खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा मैच जो था ना बांग्लादेश और नेदरलैंड वाला, तो वो वाला मैच यहाँ पे खत्म हो चुका है। मतलब अगर वो वाला मैच खत्म हो चुका है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो टॉस का सिक्का है वो अभी उछलने वाला है दोस्तों। टॉस टाइम 1:15, भाई मेरे ख्याल से उसके पहले ही टॉस हो जाएगा, क्योंकि बारिश के भी मुझे हालात कहीं ना कहीं लग रहे हैं, और जब ऐसे बारिश के हालात रहते हैं ना तो फिर भाई मतलब दिक्कतें रहती है, और बारिश के हालात वैसे बने हुए हैं। अब यहाँ पे टॉस के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे बांग्लादेश मतलब सॉरी जिम्बाब्वे या फिर साउथ अफ्रीका की टीम इस टॉस को जीतती है। और अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब बांग्लादेश और नेदरलैंड का मैच खेला गया था ना, तो वहां पर जो है ना बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए जीती थी, और उसी सेम मैदान के ऊपर उसी सेम पिच के अंदर जो है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का भी मैच होने वाला है। तो दोस्तों आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर जो है ना दोस्तों पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के जीतने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो जो कोई भी टीम यहाँ पे टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करेगी ना, उनके जीतने के चांसेस जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। दोनों कैप्टन कहाँ है मतलब मैं समझा नहीं ब्रो, आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा, दोनों कैप्टन, तो भाई देखो जिम्बाब्वे की तरफ से कप्तानी करते हुए कहीं ना कहीं आपको जो है ना यहाँ पे नजर आएंगे क्रैग एरविन, और इस साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से हालांकि कप्तान टेम्बा बवुमा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे कैसे एक अपडेट आई थी जिसके चलते यहाँ पे ऐसे कई सोर्सेस का मानना था कि शायद डेविड मिलर भी जो है ना यहाँ पे आज के इस मुकाबले के अंदर कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है कि यहाँ पर जो है डेविड मिलर कप्तानी करेगा साउथ अफ्रीका की टीम की। अब चलिए देखते हैं टॉस के अंदर क्या होता है। आज डिकॉक हाफ सेंचुरी मारेगा। देखो भाई, अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है ना, अगर यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करती है, तो फिर तो भाई समझ जाओ कि एक हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। अगर जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करती है तो फिर भाई उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा मैच के अंदर। और दोस्तों जितने भी तमाम लोग हमारे साथ स्ट्रीम पर आ चुके हैं, सभी के सभी दोस्तों एक साथ मिलकर यहाँ पे जो है स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है ना दोस्तों बेल आइकन को यहाँ पे दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम आने वाले मुकाबलों के अंदर लाइव आए तो आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए। लगभग 1500 लोग हमारी स्ट्रीम को देख रहे हैं, तो दोस्तों सभी के सभी एक साथ मिलकर यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। टॉस क्यों नहीं हो रहा है भाई? देखो मैं आपको बता दूं, टॉस क्यों नहीं हो रहा है भाई, टॉस होने वाला है यार। मैं आपको कई बार बता के थक गया कि बांग्लादेश और जो नेदरलैंड का मैच था वो ओवल के मैदान में खेला गया था, और जो नेदरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच है, मतलब जो साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का जो मैच है ना, वो भी इसी पिच के ऊपर खेला जाने वाला है। तो भाई जब पहला मैच खत्म होगा तो उसके कुछ ही देर बाद दूसरा मैच शुरू होगा ना, तो भाई इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टॉस यहाँ पे होगा ब्रो, टेंशन ना लीजिए। ड्रीम इलेवन टीम बताओ भाई, ड्रीम इलेवन टीम जो है आपको टॉस के बाद पता चलेगी। पहले एक बार टॉस हो जाने देते हैं, उसके बाद आपको ड्रीम इलेवन की जो है ग्रैंड लीग की टीम जो है हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा आपको जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। और दोस्तों जितने भी तमाम लोग हमारी स्ट्रीम पे आ चुके हैं, सभी के सभी स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल में जो है 68,300 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मात्र देखा जाए तो 6 सब्सक्राइबर हमें और चाहिए। 1500 लोग हमारी स्ट्रीम को देख रहे, तो गाइस 1500 में से जो कोई भी 6 बंदे सबसे पहले हमारी स्ट्रीम को सब्सक्राइब करेंगे, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उनको हम शॉर्ट आउट देंगे। विवेक साहू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो दोस्तों आप सभी लोग भी जो है यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों जो है बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम आने वाले मुकाबलों के अंदर लाइव आए तो आपको जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे आ जाए। और चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जिम्बाब्वे की कप्तान जो है दोस्तों मैदान में आने के लिए निकल चुके हैं, और अब से कुछ ही मिनटों बाद दोस्तों जो है टॉस का सिक्का यहाँ पूछ लेगा। ड्रीम इलेवन टीम बताओ ना भाई, ड्रीम इलेवन टीम जो है मैं आपको टॉस के बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि अभी जो ना कहीं यहाँ पे कहना मुश्किल है कि कौन से प्लेयर यहाँ पे खेलेंगे और क्या क्या बजट यहाँ पे रहेगा। बारिश हो रही है क्या भाई? देखो बारिश तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं बारिश यहाँ पे जो है ना इस वक्त बिल्कुल भी नहीं हो रही है। बारिश यहाँ पे भाई थोड़ी देर पहले हुई थी, जब बांग्लादेश और नेदरलैंड का मैच खेला जा रहा था ना, तब वहाँ पे बारिश हुई थी। इस वक्त जो है ना अभी तक बारिश यहाँ पे नहीं आ रही है, मौसम साफ हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे जो है समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे जो है ना यहाँ पे गाइस दिक्कतें पैदा होंगी। और दोस्तों मैं आपको टॉस की अपडेट बता दूं, टॉस जो है ना दोस्तों अब से कुछ ही मिनटों बाद यहाँ पे जो है होने वाला है। और देखा जाए तो इसी बीच जितेंद्र कुमार जी ने हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र कुमार जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है ना बेल आइकन को दबाना बहुत जरूरी है, ताकि आपका जो है मैं नाम ले पाऊँ। और देखा जाए तो यहाँ पे नरेश पसाया जी ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई नरेश। अब देखते हैं कौन सी टीम जो है यहाँ पे इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाती है। और दोस्तों ये पे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेइंग इलेवन के बारे में, क्या कुछ यहाँ पे प्लेइंग इलेवन जो है आपको देखने को मिल सकती है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको जो है क्विंटन डीकॉक, और क्विंटन डीकॉक के साथ साथ जो है ना अगर आप देखें तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पर जो है ना क्विंटन डीकॉक और क्विंटन डीकॉक के साथ जो है टेम्बा बवुमा जो है पारी की शुरुआत करते तो नजर आएंगे। वहीं पे देखा जाए तो रिजा हेनरिक्स टीम के अंदर मौजूद है, एडन मार्करम है, हेनरिच क्लासेन मौजूद है, केशव महाराजा है, डेविड मिल्लर यहाँ पे टीम के अंदर शामिल है। वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पे कगिजो रबाडा मौजूद है, एंड्रिच नोकिया मौजूद है। तो दो दो जो है ना विकेट टेकिंग गेंदबाज यहाँ पर मौजूद है साउथ अफ्रीका टीम के पास, कगिजो रबाडा और एंड्रिच नोकिया। और ये जो है ना दो ऐसे गेंदबाज हैं एंड्रिच नोकिया और कगिजो रबाडा, भाई इतनी तेज गति से गेंद डालते हैं ना कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी करने वाली टीम जो है ना भाई चीट हो जाती है। बैट्समैन रन मारेंगे या विकेट ज्यादा जाएंगे? भाई देखो आज की मैं आपको वेदर कंडीशंस बता देता हूँ, यहाँ पे दोस्तों जो है बारिश यहाँ पे होने वाली है, मतलब बारिश आने के चांसेस यहाँ पे काफी ज्यादा है, और अगर बारिश यहाँ पे होंगी तो दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ सकता है। अब हालांकि देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे होता है, कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को जो है जीतने में कामयाब होती है। आप सभी तमाम लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया इस मुकाबले के अंदर जुड़े रहने के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो मैच है ना दोस्तों यहाँ पे 1:40 को जो है शुरू होने वाला है। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं ये मैच जो है भारतीय समय के अनुसार जो है ना 1:30 को शुरू होने वाला था, लेकिन अभी अभी जो है एक अपडेट आई है और अब जो ये मैच है दोस्तों 1:40 को शुरू होगा। और बात करें टॉस की तो टॉस जो है दोस्तों अब से जो है आपको कुछ ही मिनटों के अंदर या फिर कुछ ही सेकेंड्स के अंदर जो है ना आपको टॉस होता हुआ नजर आएगा। तो टॉस जो है दोस्तों अब से कुछ ही सेकेंड्स के अंदर जो है आपको होता हुआ नजर आएगा, जहाँ पे आपको जो है टेम्बा बवुमा मैदान में आते हुए नजर आएंगे। और टेम्बा बवुमा के साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं शायद यहाँ पे जो है आपको क्रैग एरविन जो है मैदान में आते हुए नजर आएंगे, और इन दोनों ही कप्तानों के बीच जो है यहाँ पे टॉस का सिक्का जो है आपको उछलते हुए जो है नजर आएगा। टॉस कब होगा भाई? देखो टॉस यहाँ पे होगा कुछ ही देर के अंदर, लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर या फिर मैक्स टू मैक्स 5 मिनट के अंदर अंदर टॉस होगा। और जो मैच है दोस्तों वो 1:40 को होगा, 1:40 के बाद जो है ना दोस्तों यहाँ पर मुकाबला शुरू होगा। और मुकाबला शुरू हो मतलब मुकाबला जो है देरी से शुरू होने का कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है ना अभी अभी जस्ट बांग्लादेश और नेदरलैंड का मैच खेला गया इस मैदान के ऊपर, और इसी सेम मैदान के ऊपर और इसी सेम पिच के अंदर जो है ना यहाँ पे जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का मैच होने वाला है। और कहीं ना कहीं जो पिच जो है ना थोड़ी सी गीली है, तो उसी पिच को जो है ना यहाँ पे सुखाने का जो है कार्यक्रम चल रहा है। और कुछ ही शायद आपको 1:25 के आसपास यहाँ पे टॉस देखने को मिल सकता है, या फिर उसके अगले कुछ 1-2 मिनट बाद टॉस देखने को मिल सकता है।
तो ज़्यादा समय यहाँ पे टॉस के लिए बचा नहीं है। दोनों ही कप्तान भी जो है दोस्तों यहाँ पर मैदान में आने के लिए निकल चुके हैं। और देख लेते दोस्तों यहाँ पे टॉस कौन सी टीम जीतती है, बांग्लादेश सॉरी जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पे टॉस को जीतती है, या फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम जो है टॉस को जीतती है। अपनी अपनी प्रेडिक्शंस यहाँ पे बता दीजिएगा। आप सभी तमाम लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया इस धुआंधार मुकाबले के अंदर जो है जुड़े रहने के लिए। आप देखते दोस्तों यहाँ पे टॉस कौन सी टीम जीतेगा, इस आप लोग जो है अपनी अपनी प्रेडिक्शन बता दीजिए। आप टॉस के अंदर जो है किस टीम को जो है यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो। आप सभी तमाम लोगों का जो है बहुत बहुत शुक्रिया इस धुआंधार मुकाबले के अंदर जुड़े रहने के लिए। और खास करके अगर आप देखें ना तो यहाँ पर अगर आप देखें ना दोस्तों तो जिस तरीके से टीम है ना साउथ अफ्रीका की यहाँ पे जीतने के चांसेस मुझे साउथ अफ्रीका के ज़्यादा लग रहे हैं। टॉस कब होगा भाई, टॉस कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पे होने वाला है। टॉस यहाँ पे जो है अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपको होते हुए जो है नजर आएगा। ज़्यादा समय बचा नहीं मेरे भाई। साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग करेंगी। अब देखते हैं भाई कौन पहले बैटिंग करता है, कौन पहले गेंदबाजी करता है। पहले एक बार टॉस हो जाए तो भाई टॉस के बाद ही कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ जानकारी दे पाऊँगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है ना पिच रिपोर्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि गाइस इस मैदान के ऊपर पहले बल्लेबाजी करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या फिर पहले गेंदबाजी करना। तो दोस्तों अगर आप देखें तो अभी तक जो है ना दोस्तों इस मैदान के ऊपर लगभग जो है ना पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने लगभग 70% मुकाबले जीते हैं। लगभग अगर इस मैदान के ऊपर 10 मुकाबले खेले जाते हैं तो 10 में से जो है ना दोस्तों लगभग 7 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर जिम्बाब्वे या फिर साउथ अफ्रीका दोनों में से जो अगर कोई भी टीम यहाँ पे टॉस को जीतती है तो टॉस जीतने के बाद जो है ना यहाँ पर आपको पहले बल्लेबाजी करते हुए जो है नजर आएंगी। अगर साउथ अफ्रीका की टीम भी अगर यहाँ पे टॉस को जीतती है तो वो भी यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करेंगी। और अगर जिम्बाब्वे की टीम भी जो है कहीं ना कहीं टॉस को जीती है तो वो भी यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करेगी। लाइन आउट कब होगा भाई, देखो जो प्लेइंग 11 है मेरे भाई आपको जो है ना जैसे ही यहाँ पे टॉस होगा अब से कुछ ही देर बाद तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपको टॉस का मतलब टॉस का जैसे ही सिक्का उछलेगा उसके कुछ ही सेकेंड्स के बाद जो है ना यहाँ पर आपको जो है मुकाबला शुरू होता हुआ जो है नजर आएगा। आप देखते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पे टॉस को जीती है या फिर जिम्बाब्वे की टीम। मेरे ख्याल से दोस्तों यहाँ पे जो टॉस है वो यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम जीतेंगी और साउथ अफ्रीका की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेगी और टॉस के साथ साथ जो मैच है ना वो भी यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम ही जो है जीतते हुए नजर आएगी। जिम्बाब्वे जीतेगी मेरी जान भाई, देखते हैं पहले एक बार टॉस तो हो जाने देते हैं, टॉस के बाद ही पता चलेगा ब्रो कि जिम्बाब्वे की टीम जीतती है या फिर साउथ अफ्रीका की टीम जीतती है। और इस वक्त अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा शानदार ये मैच होने वाला है। और अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही कप्तान जो है ना यहाँ पे मैदान में तो आ चुके हैं और आपस में जो है ना दोस्तों यहाँ पे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, हंसते खेलते जो है ना दोस्तों यहाँ पर बातचीत करते हुए जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं कौन सी टीम जो है दोस्तों यहाँ पे टॉस को जीतेगा। इस आपको क्या लगता है यहाँ पे जिम्बाब्वे या फिर साउथ अफ्रीका कौन सी टीम यहाँ पे इस टॉस को जीतेगी, आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। और आपको पता होगा गाइस साउथ अफ्रीका की टीम तो डायरेक्ट क्वालिफाई हो चुकी थी वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम ने जो है ना गाइस अच्छी खासी मेहनत करी है और सुपर 12 में जो है दोस्तों अपनी जगह बनाई है जिम्बाब्वे की टीम ने। और अब देखते हैं क्या जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पे आगे भी जो है वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल या फिर क्वालिफायर तक पहुँचती या फिर नहीं पहुँचती है। राहुल राज का जी का कमेंट है कि भाई टॉस कब होगा भाई, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं टॉस जो है आपको अगले 5 मिनट के अंदर देखने को मिलने वाला है। लगभग जो है ना 1:30 को यहाँ पे आपको टॉस का सिक्का उछलते हुए नजर आएगा और मुकाबला जो है दोस्तों 1:40 को शुरू होगा। हालांकि ये जो मैच है भारतीय समय के अनुसार 1:30 ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन बांग्लादेश और नेदरलैंड का मैच जो है ना थोड़ा सा लंबा चला गया और उसी के चलते जो है ना दोस्तों यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा लेट जो है 10 मिनट लेट शुरू होने वाला है जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का मैच। और यहाँ पे मनीष कुमार जी का कमेंट है कि भाई टॉस जो है साउथ अफ्रीका की टीम जीतेगी। तो गाइस आप में से जो है काफी सारे लोगों का यहाँ पे कमेंट आया है। आप देखते हैं दोस्तों कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को यहाँ पर जीतने में कामयाब होती है।
आप लोग जो है दोस्तों अपनी अपनी प्रेडिक्शन बता दीजिएगा, आप जो है यहाँ पे बांग्लादेश की टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप जो है ना दोस्तों साउथ अफ्रीका की टीम को जो है सपोर्ट कर रहे हो। जिम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका का ये मुकाबला है। और दोस्तों जो बांग्लादेश और जो नेदरलैंड का मैच था, जो बांग्लादेश और नेदरलैंड का मैच था वहाँ पर जो है ना बांग्लादेश की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए जीती थी, और ये जो जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका का जो मैच है ना वो भी जो सेम मैच है इसी मैदान के ऊपर खेले जाने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने वाले टीम के जो है ना जीतने के चांसेस जो है यहाँ पे ज्यादा रहेंगे। टीम बा भारत कैप्टन कैसा रहेगा? रमेश सिंह जी बिल्कुल भी मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई जिम्बाब्वे की टीम टॉस को जीतेगी। तो चलिए गाइस मैं आपको बताता चलूं, तो यहाँ पे जो है दोस्तों टॉस का समय हो चुका है, दोनों ही कप्तान दोस्तों यहाँ पर मैदान में आ चुके। अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे के कप्तान जिम्बाब्वे की कप्तान यहाँ पे क्रेग आर्विन जो है मैदान में आ चुके हैं। वहीं पे अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के कप्तान भी यहाँ पर मैदान में आ चुके हैं। तो दोस्तों दोनों ही कप्तान जो है यहाँ पर मैदान में आ चुके हैं, और अब जो है दोस्तों यहाँ पे टॉस का सिक्का उछलने वाला है। 120 सेकेंड्स का यहाँ पे समय बचा हुआ है, लगभग देखा जाए तो दो मिनट्स के अंदर अंदर गाइस यहाँ पे टॉस होने वाली है। लगभग जो टॉस का समय है गाइस वो 1:30 का है, और इस वक्त जो समय चल रहा है वो 1:28 का है। तो मतलब जो है दोस्तों अगले दो मिनट के अंदर अंदर जो है दोस्तों यहाँ पे जो है टॉस होगा। आप देखते हैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका या फिर जिम्बाब्वे कौन से टीम जो यहाँ पे टॉस को जीतती है, और टॉस को जीतने के बाद क्या यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया जाता है या फिर गेंदबाजी करने का, ये देखना दिलचस्प रहेगा। और इसी बीच देखा जाए तो गाइस अजय सपना जी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ माई गॉड द रेन इज बैक एंड द कवर्स आर ऑन, टॉस विल बी फर्दर डिलेड। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी अभी जो है ना थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो चुकी है। पहले जो है दोस्तों अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पे एक अपडेट आई थी कि यहाँ पर जो है ना दोस्तों जो टॉस है वो लगभग 1:30 को शुरू होगा, लेकिन अगर आप देखें तो गाइज यहाँ पर जो है ना अभी अभी जस्ट अपडेट आई है 1:27 को कि जो बारिश है ना वो यहाँ पर हल्की हल्की जो है आना शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी जो है दोस्तों यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और बूंदाबांदी जो है दोस्तों यहाँ पर शुरू हो चुकी है। ब्रैड इविंग खेलेंगे भाई, खेलने के चार दिन के काफी ज्यादा है, मैच बारिश जीतेगा भाई। देखो इस वक्त जो है ना मैं लाइव देख पा रहा हूँ, बारिश जो है ना उतनी ज्यादा यहाँ पे नहीं हो रही है, हल्की हल्की जो है ना बिल्कुल एकदम बूंदाबांदी टाइप की मतलब बारिश आ रही है। भाई पिच रिपोर्ट बता दो, भाई पिच रिपोर्ट मैं आपको बता दूं तो गाइज ये जो मैच है खेला जा रहा है ओवल होबर्ट के मैदान पे, इसी से मैदान के ऊपर जो है दोस्तों मैच जो है ना बांग्लादेश और नेदरलैंड की टीम ने खेला था, जहां पर बांग्लादेश की टीम जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए जीती थी। और आज भी दोस्तों जो है जिस तरीके की जो विकेट है ना ये गाइज पहले बैटिंग करने वाली टीम को सपोर्ट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे बारिश आने के जो है ना आसार बने हुए हैं, बारिश आने के जो है आसार यहाँ पे बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो कोई भी टीम यहाँ पे टॉस को जीतने के बाद गेंदबाजी करेगी उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और रेन वॉन द मैच, भाई देखो बारिश जो है ना उतनी ज्यादा यहाँ पे नहीं आ रही है, हल्की हल्की जो है ना एकदम बूंदाबांदी आ रही है। अब देखते हैं दोस्तों कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को जो है जीतने में कामयाब हो पाती है। यहाँ पे देखा जाए तो गाइस जिम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका का जो मैच है, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो दोस्तों भारतीय समय के अनुसार अभी तक यहाँ पे जो है ना टॉस भी हो जाना चाहिए था और अब तो मुकाबला भी शुरू हो जाना चाहिए था। भाई आप इंडिया कल मैच जीत लिया तो तुम लोग दिवाली मनाओगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई, दिवाली तो मना ली है, अब भाई ये वाले मैच का वेट करें। कल तो यार 50 पैसों का भाव पलटा था, अगर कल आपने भारत में कम से कम 50 रुपये लगाए होते ना तो भाई आज आपको 1000 रुपये मिल जाते। लेकिन भाई कल शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पैसे लगाए भी होंगे, किसी ने नहीं भी लगाया होगा। भाई अगर जिन लोगों ने भी कल 50 रुपये लगाए होंगे तो भाई आज उनको 50 रुपये के 1000 रुपये मिल गए होंगे।
आप देखते हैं दोस्तों कौन सी टीम जो है यहाँ पे जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के मैच के क्या हालात हैं वो भी एक बार हम जो एक बार देख लेते हैं क्या कुछ अपडेशंस यहाँ पे आई है। भाई टॉस कब होगा यार? भाई देखो टॉस के बारे में मैं आपको क्या ही बता दूँ, पहले जब बारिश नहीं आ रही थी तो वहाँ पे बांग्लादेश और नादरलैंड का मैच चल रहा था, और जब यहाँ पे जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका की मैच की टॉस की बारी आई तो भाई वापस से जो है बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और भाई बारिश वैसे तो ज़्यादा जोर के नहीं आ रही है, एकदम धीमी धीमी आ रही है। अभी जो है गाइस एक बार फाइनल अपडेशंस का देखते हैं। आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या कुछ अपडेशंस यहाँ पे आती है कि मैच यहाँ पे कितने देर में आपको जो है शुरू होता हुआ नजर आए। गाइस आपको क्या लगता है इस मुकाबले के अंदर जिम्बाब्वे की टीम जीतेगी या फिर साउथ अफ्रीका की टीम? बता दीजिएगा किस चीज पर लगाते हैं पैसे। भाई देखो कल जो है ना 50 पैसों का भाव पलटा था, और कल अगर आप इंडिया में 50 रुपये लगाते तो आपको 1000 रुपये मिलते। और गाइज जब बात रहे कि आप ये पैसे लगा कहाँ सकते हो, तो गाइज आपको बता दूं आप जो है ना गाइज ये पैसे जो है लगा सकते हो OST ऑनलाइन बुक पे। यहाँ पे गाइज आपको जो है सिंपली इनको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना है। मैंने इनका जो व्हाट्सएप नंबर का लिंक है चैट बॉक्स में पिन कर दिया है, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। आपको सिंपली यहाँ पे इनके व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। आप जो है गाइज मिनिमम 100 रुपीज़ की ID खरीद सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना कसीने रोलेट जैसी गेम्स खेल के लाखों रुपए तक कमा सकते हो। और गाइज आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट लेके अगर इनको व्हाट्सएप पे भेजते हो तो आपको जो है ना गाइज 5% का बोनस भी मिलेगा। और दोस्तों गाइज मैं आपको बता दूं यहाँ पे टॉस हो चुका है दोस्तों, जिम्बाब्वे बनाम साउथ अफ्रीका के मैदान के से गाइज एक ताजा अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। तो दोस्तों जो मैच है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के मैच का, वो दोस्तों जो है यहाँ पे टॉस हो चला है। टॉस जो है दोस्तों यहाँ पे हो चुका है, और अगर हम बात कर लेते दोस्तों टॉस के बारे में तो यहाँ पे जो टॉस का सिक्का था वो यहाँ पे था जिम्बाब्वे के कप्तान क्रेग इरवाइन के हाथ में, और क्रेग इरवाइन ने जो है दोस्तों यहाँ पे टॉस का सिक्का उछाला। साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा ने यहाँ पे हेड का कॉल दिया था, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ना टैल आ चुका है, और टैल आया है मतलब दोस्तों जो टॉस है वो यहाँ पे जीत लिया है जिम्बाब्वे की टीम ने। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना अभी अभी जो है टॉस की अपडेट आ चुकी है। बारिश जो है दोस्तों यहाँ पे पूरी तरीके से रुक चुकी है, और मौसम जो है साफ हो चुका है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पर जो है जिम्बाब्वे के कप्तान और साउथ अफ्रीका के कप्तान दोनों ही मैदान में आए थे। जिम्बाब्वे के कप्तान यहाँ पे क्रेग इरवाइन ने टॉस का सिक्का उछाला था, और साउथ अफ्रीका के कप्तान यहाँ पर टेम्बा बवुमा ने हेड का कॉल दिया था, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे टैल आ चुका है, और टैल आया है मतलब टॉस जीता है जिम्बाब्वे की टीम ने। और गाइस अगर आप लोगों को ऐसी अपडेट्स रहना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों जो है बेल आइकन को यहाँ पे दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम आने वाले मुकाबलों के अंदर लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टॉस हो गया जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे टॉस हो चुका है, जिम्बाब्वे की टीम ने यहाँ पे टॉस को जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आप देखते हैं दोस्तों क्या कुछ यहाँ पे होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं टॉस जो है जीत लिया है, देखा जाए तो जिम्बाब्वे की टीम ने, और जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस को जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। अगर हमने लगाए और जीत गए तो उनसे पैसे नहीं दिए तो भाई देखो मैं आपको बता दूं भारत की जो है ना वन ऑफ द ट्रस्टेड साइट है OST एक्सचेंज। भाई मैं खुद इस साइट के ऊपर जो है ना पिछले 4 साल से खेल रहा हूँ। आप यहाँ पे कितना भी प्लस हो जाए, चाहे आप 1 पेटी जीते चाहे 2 पेटी जीते, आपको जो विड्रॉल है ना पलक झपकते ही मिल जाएगा मेरे भाई 15 मिनट के अंदर अंदर। गाइज काफी ट्रस्टेड साइट है OST एक्सचेंज ऑनलाइन बुक की, लिंक यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको OST ऑनलाइन बुक का। यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और देखते हैं। आप देखते हैं कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को जीतती है। दोस्तों टॉस यहाँ पे जिम्बाब्वे की टीम ने जीत लिया है, और जिम्बाब्वे की टीम ने दोस्तों यहाँ पे टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और देखा जाए तो गाइस काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके, क्या लगता है दोस्तों यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम जीतेगी या फिर साउथ अफ्रीका की टीम? दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको जो है दोस्तों यहाँ पे
साउथ अफ्रीका की टीम की मैं प्लेइंग इलेवन दिखा देता हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम की प्लेइंग इलेवन क्या है। अगर आप दोस्तों देखें तो जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से जो है ना यहाँ पर आपको जो है दोस्तों सलामी बल्लेबाजी में जो है नजर आएंगे वो यहाँ पे रहेंगे टेम्बा बबूमा, और टेम्बा बबूमा के साथ जो है दोस्तों यहाँ पे क्वेंटन डी कॉक जो है ना यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि जिम्बाब्वे की टीम की तरफ से जो है गाइज आपको सलामी बल्लेबाजी में टेम्बा बबूमा और टेम्बा बबूमा के साथ जो है यहाँ पे आपको क्वेंटन डी कॉक जो है नजर आएंगे। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें तो नंबर तीन पे यहाँ पे खेलते हुए आपको रायली रुसेव नजर आएंगे, जो कि आज के इस मुकाबले के अंदर आपको नंबर तीन पर खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पे दोस्तों नंबर चार पे देखें तो नंबर चार पे दोस्तों यहाँ पे वेन पार्नेल मौजूद है, और वेन पार्नेल जो है ना दोस्तों आपको नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। पांच पे अगर आप देखें तो नंबर पांच पे यहाँ पे आपको केशव महाराजा खेलते हुए नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, केशव महाराजा जो कि बहुत ही शानदार बल्लेबाज है और साथ ही में गाइस ये गेंदबाजी भी करते हैं और अपनी फिरकी गेंदबाजी डालने में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और आपको जो है नंबर पाँच पर खेलते हुए यहाँ पे केशव महाराजा जो है ना आज के इस मुकाबले के अंदर जो है नजर आने वाले हैं। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं नंबर छः की, तो दोस्तों आपको जो है नंबर छः पे यहाँ पे खेलते हुए जो है नजर आएंगे कगिसो रबाडा। अगर आप दोस्तों देखे तो नंबर छः पे यहाँ पे एडन मार्करम भी मौजूद है, और वहीं पे अगर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं नंबर सात की, तो नंबर सात पे यहाँ पे डेविड मिल्लर है, ट्रिस्टन स्टब्स है, नंबर नौ पे कगिसो रबाडा है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पर मतलब अगर आप देखें तो मुझे जिम्बाब्वे की टीम थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है साउथ अफ्रीका के सामने। अब जिम्बाब्वे की टीम ने जो है टॉस जीतने के बाद यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। आप देखते हैं जिम्बाब्वे की टीम जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे कितने रन जो है बना पाती है। आपको क्या लगता है कि जिम्बाब्वे या फिर साउथ अफ्रीका कौन जीतेगा इस मुकाबले को, अपनी अपनी प्रेडिक्शंस यहाँ पे बता दीजिएगा। और मुकाबला जो है दोस्तों यहाँ पे आपको शुरू होता हुआ नजर आएगा, प्लेयर जो है दोस्तों यहाँ पे मैदान में आते हुए शुरू आएंगे। देखा जाए तो गाइस टेम्बा बबूमा, और टेम्बा बबूमा के साथ जो है ना दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेंटन डी कॉक नजर आएंगे, जो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाजी करेंगे। नंबर तीन पे यहाँ पे खेलते हुए आपको रायली रुसेव नजर आएंगे। नंबर चार पे यहाँ पे खेलेंगे एडन मार्करम। नंबर पाँच पे अगर आप देखें तो नंबर पाँच पे खेलते हुए यहाँ पे आपको जो है डेविड मिलर जो है नजर आने वाले हैं। नंबर छः पे अगर आप देखें तो आपको जो है ट्रिस्टन स्टब्स नजर आएंगे। नंबर सात पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वेन पार्नेल मौजूद है। नंबर आठ पे देखा जाए तो केशव महाराजा है। नंबर नौ पे कगिसो रबाडा है। नंबर दस पे जो है एंड्री जिनोकिया, और नंबर ग्यारह पे जो है लुंगी एनगेडीरी है। तो अगर देखा जाए तो गाइस काफ़ी बढ़िया जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका टीम की प्लेइंग इलेवन है, और मेरे ख्याल से गाइस देखा जाए तो यहाँ पे जिम्बाब्वे की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। और अब मेरे ख्याल से गाइस देखो जिम्बाब्वे की टीम की पहले बल्लेबाजी जरूर है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि ये जो मैच है ना दोस्तों आपको साउथ अफ्रीका की टीम जो है जीतते हुए नजर आएगी। और अब देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर जो है ना इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाती है। और जिन्होंने भी दोस्तों यहाँ पे स्ट्रीम को लाइक नहीं किया है, सभी के सभी एक साथ मिलके यहाँ पर जो है स्ट्रीम को लाइक कीजिएगा। जिम्बाब्वे की टीम ने दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ टॉस को जीतने के बाद यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, और जिम्बाब्वे की जो टीम है गाइस आपको जो है आज के इस मुकाबले के अंदर पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। आप देखते हैं यहाँ पे जिम्बाब्वे की जो टीम है पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे कितने रन जो है बना पाती है। क्या लगता है दोस्तों कौन जीतेगा इस मुकाबले को, अपनी अपनी प्रेडिक्शन से यहाँ पे बता दीजिए। साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे की टीम का जो है मुकाबला चल रहा है, और यहाँ पे देखा जाए तो गाइस प्लेयर जो है मैदान में आते हुए आपको नजर आ रहे। एक बात यहाँ पे अच्छी कि बारिश जो कि पहले आ रही थी, अब यहाँ पे जो है बारिश का दूर दूर तक के नामो निशान नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आप देखते हैं कितने रन्स यहाँ पे बनते हैं, कौन सी टीम जो है इस मुकाबले को जीतती है। आप देखते हैं गाइस कौन सी टीम जो है यहाँ पे मुकाबले को जीती है। तो चले गए साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे की टीम का यहाँ पे मुकाबला शुरू होता हुआ आपको नजर आएगा। इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ना नेशनल एंथम चल रहा है। अब देखते हैं, अब अगर हम वहीं पे दोस्तों बात करते हैं जिम्बाब्वे की प्लेइंग इलेवन के बारे में,
तो चिंगाओंग बे की टीम की तरफ से गाइस देखा जाए तो आपको क्रेग एरवाइन नजर आएंगे, क्रेग एरवाइन के साथ साथ जो है रियान बुरल नजर आएंगे। नंबर तीन पे यहाँ पे खेलेंगे रेगिस चाका बावा, चार पे खेलेंगे विस्ले माधवीरे, पाँच पे खेलेंगे विलियम्स, छः पे खेलते हुए आपको सिकंदर रजा नजर आएंगे, सात पे खेलते हुए आपको जो यहाँ पे मिल्टन शुम्बा नजर आएंगे, आठ पे खेलेंगे ल्यूक जोंगवे, नौ पे खेलेंगे यहाँ पे टेंडाई चटोरा, दस पे खेलेंगे रिचारा नगवारा और नंबर ग्यारह पे जो है ब्लेसिंग। तो ओवरऑल देखा जाए ना तो दोस्तों ये यहाँ पर प्लेइंग इलेवन रहने वाली है आज के इस मुकाबले के अंदर। आप गाइस क्या लगता है यहाँ पे जिम्बाब्वे या फिर साउथ अफ्रीका किस टीम को जो है सपोर्ट करो कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। आप इस लिंक को डाउनलोड करो क्या भाई? देखो धरा सिंह माली ये जो है ना गाइस कोई एक ऐप नहीं है, ओएसटी ऑनलाइन बुक ये जो है ना गाइस एक बुक है, आपको खाली इनको व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। देखो आपके सामने एक लिंक दिख रहा होगा, यहाँ पे जो है आप क्लिक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको जो है 5% का बोनस भी मिलेगा। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट लेके आईडी खरीदते हो तो आपको जो है ना गाइस यहाँ पे स्पेशल सर्विस भी मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है। और आपको बता दूं दोस्तों यहाँ पे जब टॉस का सिक्का उछला तो जिम्बाब्वे के कप्तान और साथ ही में जो है साउथ अफ्रीका के कप्तान जो है दोनों ही कप्तान जो है यहाँ पर मैदान में आ चुके थे। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना दोस्तों टॉस का सिक्का जो है उछाला था जिम्बाब्वे के कप्तान ने और वहाँ पे साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बाउमा ने हेड का कॉल दिया था, लेकिन अगर आप वहाँ पे देखें तो टैल आया है। और टैल आया है मतलब जो टॉस है वो जीता है यहाँ पे जिम्बाब्वे की टीम ने। और जिम्बाब्वे की टीम ने जो है दोस्तों यहाँ पे टॉस को जीतने के बाद जो है फैसला किया है पहले बल्लेबाजी करने का। और आज के इस मुकाबले के अंदर अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे की टीम जो है ना यहाँ पर आपको पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगी। अब जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन यहाँ पे बना पाती है कहीं ना कहीं ये देखना जो यहाँ पे दिलचस्प रहेगा। बात करें तो गाइस मुझे साउथ अफ्रीका की टीम की जो प्लेइंग इलेवन है बहुत ही शानदार दिख रही, क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है ना साउथ अफ्रीका की टीम के पास काफ़ी बढ़िया बढ़िया गेंदबाज मौजूद हैं, जहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना मौजूद है। अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे की टीम के अंदर अगर आप देखें तो भाई काफ़ी शानदार प्लेयर्स मौजूद हैं, जहाँ पे इनकी जो गेंदबाजी खास करके बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग लग रही है। जहाँ पे आपको देखा जाए तो यहाँ पे आपको जो है ना कगिजो रबाडा, कगिजो रबाडा के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है आपको एंड्रिच नोके नजर आएंगे, जो कि पूरे तरीके से जो है गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए आपको नजर आएंगे। आप देखते हैं क्या कुछ यहाँ पे होता है इस मुकाबले के अंदर। भाई टॉस कौन जीता पहले? भाई देखो टॉस जो है यहाँ पे जीत लिया है जिम्बाब्वे की टीम ने, और जिम्बाब्वे की टीम ने दोस्तों जो है टॉस को जीतने के बाद यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और आपको जो है दोस्तों यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए जो है नजर आएगी। तो आज के इस मुकाबले के अंदर जिम्बाब्वे की टीम जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगी। आप देखते हैं जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन बना पाती है। तो चलिए अब देखते हैं दोस्तों जिम्बाब्वे की टीम यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए कितने रन जो है बना पाती है। ड्रीम इलेवन टीम बताओ भाई। देखो मेरी ग्रैंड लीग के अंदर जो है ना मैंने यहाँ पे कैप्टन किसको बनाया भाई? देखो मैंने नहीं बनाया, मतलब एक वेबसाइट है ट्रस्टेड है, और यहाँ पे जो है ना गाइस कैप्टन जिन्होंने बनाया है वेन पार्नेल को, और वाइस कैप्टन जिन्होंने बनाया है क्विंटन डिकॉक को। कहीं ना कहीं आप भी जो है गाइस कैप्टन जो यहाँ पे वेन पार्नेल को बना सकते हो या फिर क्विंटन डिकॉक को बना सकते हो। और कहीं ना कहीं शायद अगर आप क्विंटन डिकॉक को कैप्टन बनाओगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि क्विंटन डिकॉक जो है ना गाइस आपको शुरू के ओवर्स में बल्लेबाजी करते हुए नजर आते हैं, ओपनिंग करते हैं और काफ़ी बढ़िया लय भी प्राप्त कर चुके हैं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से क्विंटन डिकॉक को। तो मेरे ख्याल से गाइस यहाँ पर जो है ना आपके पास एक काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है क्विंटन डिकॉक का, आप उनको कैप्टन भी ले सकते हो और वाइस कैप्टन भी ले सकते हो। मेरे ख्याल से अगर आप कैप्टन रोल लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ओवेस्टी क्या है
भाई ये OHT एक बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज ऑनलाइन बुक है, जहाँ पे आप जो है ना मिनिमम 100 रुपीज़ की आईडी ले सकते हो। और साथ ही में यहाँ पे जो है ना गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट लेके भेजोगे तो आपको जो है 5% का बोनस मिलेगा। और साथ ही में जो है ना गाइस, यहाँ पे आप 100 रुपीज़ की आईडी लेकर के काफ़ी सारी गेम्स खेल सकते हो, कसीने रोलेट जैसी गेम्स। और आप जो है ना गाइस, अपने जीते हुए पैसे तुरंत पलक झपकते ही विड्रॉल कर सकते हो। काफ़ी ट्रस्टेड बुक है, मैं भी पिछले कुछ सालों से ये पे खेलता हूँ, और आपको भी मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप भी जो है इसी ऑनलाइन बुक पर खेलें। बाकी बुक पे गाइस कोई गारंटी नहीं है आपके पैसे आपको मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, लेकिन गाइस मैं OHT बुक पे ट्रस्टेड है, मैं खुद खेलता हूँ और मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी इसी ऑनलाइन बुक पर खेलते हैं। और आपको भी मैं यही इसी बुक पे रिकमेंडेड करूँगा कि आप भी यही खेलें। यहाँ पे आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पे जो है ना बारिश वापस से आ चुकी है। बारिश जो है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है ना बारिश से आप वापस से आ चुकी है। प्लेयर्स जो है ना गाइस, यहाँ पे बस मैदान में आ ही रहते, शुरू होने वाला था मैच, लेकिन उसके पहले यहाँ पे बारिश आ चुकी है। और बारिश के वजह से जो है ना कहीं गाइस, ये बहुत ही गलत चीज़ें हो रही है। बारिश यहाँ पे होती है और उसके बाद फिर भाई खेल को रोक दिया जाता, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
यस
Waiting. Yep.
Waiting. Yeah!
यस
keeper.
right.
quite there. Yes, yes.